तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गुना सीट भी चर्चाओं में रही। इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा था। गुना सीट पर बीजेपी ने 5,40,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का पूरा चुनावी विश्लेषण इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण देश भर में इस वजह से आया कि यहाँ की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने अपना जो है काम किया, उनके सारे के सारे प्रत्याशी जीते। उसमें भी सबसे बड़ी दो तीन चीजें जो सीटों को लेकर रही, उसमें इंदौर जो प्रदेश भर में सबसे बड़ा रहा, उसके अलावा शिवराज सिंह अपनी लोकप्रियता के कारण 8 लाख से ऊपर गए। इसके बाद दो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में खजुराहो से बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस गुना सीट से थे वहां अब तक की सबसे बड़ी जीत 5,40,000 की है। इसी सब पर बात करने के लिए हम अशोकनगर से हैं। मैं इंद्र बधौली एनडीएमी के लिए, मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार बहादुर सिंह चौहान और सचिन शर्मा जी हैं। बहादुर जी, आपसे जानना चाह रहे थे इस पर हम बात करने के लिए कि जिस तरह के जो आंकड़े आए हैं गुना लोकसभा के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक है कई मामले में, क्योंकि इतनी बड़ी जीत कभी संभव ही नहीं। तो 8वीं विधानसभा में अब देखा जाए तो भले ही विधानसभा चुनाव में 2 सीटें आ रही थी, मगर इसके बाद लगातार वोट बढ़े इस चुनाव में। हाँ, ये बात तो है। इसमें विधानसभा और लोकसभा के दोनों मुद्दे अलग रहे थे जी। दूसरा, शुरुआत में तो सिंधिया जी की स्थिति, अशोकनगर की यदि अपन बात करें तो अशोकनगर में शुरुआत में एक लोकल मुद्दे को लेकर बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। इसको लेके उनको मेहनत भी यहाँ पर ज्यादा करते नजर आए थे। यहाँ पर वो पूरी तरह घिरा गए थे और यूं माने अपन की यदि 15 दिन वो फील्ड में रहे होंगे तो मेरे ख्याल से 8 या 10 रातें उनको यहाँ रहना थी, पूरा परिवार यहाँ लगा रहा। उसके बाद भी लीड थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम रही। हाँ, प्लस जरूर हो गए आखिरी के समय में। 1 सप्ताह जो उनका रहा वो तेजी से ग्रोथ हुआ, आखिरी में उन्होंने कवर कर ली, मगर जो चीज उनकी खराब हो रही थी। हाँ, नहीं, अगर तीनों जिलों का देखा जाए तो एनालिसिस अगर देखेंगे तो मार्जिन के हिसाब से किस तरह देख पा रहे हैं? मार्जिन तो तीनों जिलों में अशोकनगर का सबसे कम रहा। अशोकनगर में 3 विधानसभा थी, गुना में 2 विधानसभा है। इसके बाद भी गुना की लीड अपने यहाँ से ज्यादा है। गुना 1,63,000 से दोनों सीट जीती, उसमें भी बमोरी ऐसी है जिसमें विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। हाँ, वहाँ हरे लेकिन वहाँ अभी लीड सबसे अच्छी रही। वैसे यहाँ पर 3 लोकसभा विधानसभा है, इसके बावजूद यहाँ 1,26,000 से जीत हुई है। 1,26 को जीत 25 के समथिंग कुछ है, और पिछली बार सिंधिया इतने ही वोटों से टोटल हारे थे। हाँ, अगर देखा जाए तो शिवपुरी 2.5 लाख से जीते, 1,67 से गुना 2 सीटें जीती हैं। हाँ, तो क्या माना जा रहा है लोकल प्रत्याशी कांग्रेस के जो रहे यादविंद सिंह, उसकी वजह से सबसे कम जीत जो है बीजेपी? हाँ, की मुंगावली से उसका असर देखो रहेगा लोकल, क्योंकि यादविंद सिंह का गृह जिला है अशोकनगर है जी। और वो अभी विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे तो मुंगावली से भी अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि विधानसभा चुनाव से इस बार लोकसभा में उन्हें 15-16 हजार वोट कम मिले हैं मुंगावली से, लेकिन चूंकि यादव फैक्टर में थोड़ा काम किया है इसका उन्हें बेनिफिट मिल गया है। तो जातिवाद का एक आंकड़ा तो रहा था सचिन जी, मगर कई सारी चीजें आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने का परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर रहा, और शायद यही कारण है कि लीड जो है वो 5 लाख के आसपास पहुंची। कई बड़े लोग अपने जो है बाढ़ नहीं जीता पाए वोट। देखिए, लोकसभा क्षेत्र गुना की परिस्थितियां थोड़ा सा समीकरण अलग है। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ से यादव प्रत्याशी को उतारा था, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 6 माह पहले मुंगावली से चुनाव लड़े थे। दूसरा, अगर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र पे एक नजर दौड़ाते हैं तो लोकसभा क्षेत्र की कोलारस, अशोकनगर, कोलारस, मुंगावली और चंदेरी तीनों विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे यादव बहुल मतदाता है। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं यादवेंद्र सिंह यादव को यादव मतदाता तो सपोर्ट करेंगे ही, साथ में जो कांग्रेस का वोट बैंक है जो लगभग 40-50% वोट बैंक माना जाता है, तो वो वोट बैंक इन लोगों को बीजेपी को परेशान कर सकता था। लेकिन जो चुनाव के जो परिणाम आए वो बड़े चौंकाने वाले रहे, और निश्चित तौर पर आप देखिए कि मैंने जो अपना एनालिसिस किया तो 2019 में जो भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी थे डॉक्टर केपी यादव, तो उनको जो वोट मिला था उसके कंपैरिजन में इस बार अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा का वोट बैंक बढ़ा। भाजपा लगभग 8.08% वोट बढ़त बना के ये तीनों विधानसभा जीती है, और अशोकनगर से जो अगर हम लीड का कंपैरिजन करते हैं जो अदर दूसरी जिलों की विधानसभाएं हैं, तो उसके पीछे एक कारण तो ये है कि यादवेंद्र सिंह यहाँ लोकल प्रत्याशी थे, उनके जो पूर्व में पिताजी रहे हैं उनका प्रभाव रहा है, उनकी फैमिली भी रही, तो इस कारण से कुछ ऐसा भी माना जा सकता है कि वोटरों का रुझान थोड़ा बहुत यहाँ पे यादवेंद्र की तरफ रहा। दूसरे कुछ ऐसे मुद्दे हुए जो चुनाव से पहले जो सिंधिया जी को परेशान करा, और इसके कारण
और इसकी वजह भी ये रही कि कांग्रेस कमजोर हुई यहाँ पर जो है, इसका कारण है कि बड़ी भगदड़ मची। कांग्रेस को कमजोर होना स्वाभाविक था, क्योंकि चुनाव से लगभग एक माह और चुनाव के दरमियान है जितनी तेजी से जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे वो भाजपा में शिफ्ट हुए, तो एक तरीके से जो उसमें भी कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार बीजेपी का खुलकर बड़े स्तर पे विरोध करते थे, वो खुद सिंधिया जी के साथ चले गए, तो कांग्रेस यहाँ अपने आप में ऐसा आ रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि आप देखिए कि बीजेपी के सिंधिया जो ज्योतिराज सिंधिया है उनको कहीं ना कहीं भारी प्रत्याशी तो माना जा रहा था, मतलब यादवनंद सिंह के कंपेरिजन में, लेकिन इसके बाद भी उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या योगी जी या फिर और बड़े बड़े चेहरों को लाके यहाँ जनता के समक्ष उतारना पड़ा और उनको वोट मांगने। चुनाव और गंभीरता से लड़े, गंभीरता से करेंगे। सिंधिया ने इस मामले में बहुत मेहनत की, मगर कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हुई उसका खामियाजा देखा कि बड़े नेताओं ने अपने बाट और पुलिंग नहीं जीता पाए। बिल्कुल, मैं कल जो एनालिसिस कर रहा था, आप मतलब अशोकनगर के अगर हालात देखें तो हमारे यहाँ के अशोकनगर के जिला अध्यक्ष जैसे शहरी जिला अध्यक्ष हैं और उनकी श्रीमती यहाँ पे बाढ़ पार्षद हैं, तो वो वाला वो बाढ़ हारे। नगर पालिका में जो चार बार्ड थे, चार पार्षद कांग्रेस के हैं, तो वो चारों पार्षद हारे। बार्ड अगर हम बात करें तो हम जहाँ जिस बार्ड में विधायक रहते हैं जो 6 माह पहले निर्वाचित होकर आए हैं, वो वाला वार्ड उनको पराजय झेलना पड़ा। ब्लॉक अध्यक्ष जहाँ जिस बार्ड में रहते हैं उस बार्ड में 22 नंबर वहां उनको हार झेलनी पड़ी। कुल मिला के कांग्रेस का जो किला था, जो वही टीम थी जिन्होंने विधानसभा में लगभग 8-9 हजार वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दर्ज कराई थी, वो इस बार टोटल यहाँ से फैल नजर आया। मगर इसमें एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि अभी निवर्तमान सांसद केपी यादव है, बीजेपी का इतना जादू चला इसके बाद भी वो अपना गांव नहीं जिता पाया, उनका गांव की पुलिंग हार गई। देखिए केपी सिंह यादव डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो केपी सिंह यादव है उनके साथ में स्थितियां कुछ ऐसी रही कि शायद जिस दिन यहाँ पे वोटिंग होना थी उस दिन भी वो मेरी नॉलेज ऐसी है कि वो यहाँ नहीं थे, क्योंकि संगठन ने कहीं ना कहीं उनको इस चुनाव से पूरी तरीके से दूर रख रखा था। उनका खामियाजा ना भुगतना पड़ा और 11 वोटों के अंतर से रसल्ला पुलिंग जो उनका गृह वो है वहाँ 11 वोट से कांग्रेस को लीड मिली है। नहीं, बात ये भी देख जाती है कि अमरोहा जो गांव है ये माना जा रहा था कि बिसरा सिंह का बहुत पुराना इलाका है, यादविन वहीं रहने वाली है, इसके बाद भी सिंधिया को वहाँ अच्छे खासे वोट मिले, तो इस तरफा तो कहीं कांग्रेस नहीं। हाँ, यहाँ पे अमरोहा गांव की तो जबकि ऐसा माना जा रहा था कि अमरोहा में एक तरफा मिलेगा, मैंने पिछले विधानसभा के भी एनालिसिस किया था, तो वहाँ जितने वोट वर्तमान में जो वहाँ से विधायक हैं जो अमरोहा के ही उन्हीं के परिवार के माने जाते हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, तो उनसे ज्यादा वोट इस बार उसका ये चीज और 6 महीने पहले ही जो है यादवन वहां से लड़े हैं तो काफी पोलिंग इस बार हारे हैं वो। ये भी मैं आपको बताऊं कि जो पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव की जो विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले यादवन सिंह पूरे चुनाव के दौरान 115 पोलिंग जीती थी और इस बार वो मात्र 64 पोलिंग पे ही उनको जीत पाई। तो ये बड़ा ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक असली में इसलिए समझना चाह रहे हैं सिंधिया की जीत को लेकर लोग कह रहे हैं कि 5,40,000 अप्रत्याशित है, चमत्कारिक है, इतिहास है और रिकॉर्ड भी है, मगर एक चीज ये भी देखी जैसे आपने भी बताया पहले कि एक नैरेटिव सेट नहीं हो पाया कि जो विरोध था सिंधिया को लेकर या संगठन को लेकर जितने लोग आए बीजेपी छोड़ छोड़ के उसके वजह से ये हुआ कि एक माहौल नहीं बन पाया सिंधिया के खिलाफ। नहीं, सिंधिया जी के खिलाफ नाराजगी नहीं थी लोगों की, लोगों की एक लोकल मुद्दे को लेकर थी और उनको ये था कि सिंधिया जी के कारण कोई दूसरे लोग उन्हें परेशान करते हैं, बाद में वो चीज जब क्लियर हो गई तो इनकी सब प्लस होती गई और उसका इनको बड़ा बेनिफिट मिला उस चीज का। तो ये क्या मान रहे थे आप शुरू से, ये जीत इतनी 5,00,000+ जाएगी इतनी संभावना आप लोग लगा रहे थे? हाँ, लगभग 3,500-4,00,000 तक की तो मान रहे थे, लेकिन वो तब जब पहले और दूसरे राउंड में हमने चुनाव का वोटिंग परसेंटेज गिरा हुआ देखा था तब का जी, जब इनका तीसरे चरण में जैसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो वो आंकड़ा बढ़ना ही था। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि इतने बड़े वोट से आए तो सिंधिया परिवार का जो एक गढ़ रहा है जिसमें राजमाता सिंधिया 4 बार 5 बार जीती, 4 बार जो है माधवराव सिंधिया जीते, अब 5वीं बार ये जीत चुके हैं और एक बार राज्यसभा में, तो ये बड़ा रिकॉर्ड एक दिलचस्प। हाँ, ये सिंधिया जी का एक, सिंधिया जी ने इस चुनाव में लगभग 2 या 3 रिकॉर्ड बना लिए, एक तो अभी तक 1951 से लेकर आज तक इतने वोटों से अभी तक कोई नहीं जीता था, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने 2002 में जो जीता था उपचुनाव में वो तोड़ दिया है। दूसरा, इसमें ये भी देखा गया है कि यादवेंद्र सिंह को जो देखा जा रहा था उनके जो पोलिंग का जो पहले चरण में जो मुकाबले का परिणाम आया था 14 जो पोलिंग थी उन 14 में से घर के आसपास की 7 पोलिंगों में वो खुद जीते सिंधिया जी, और इनके खुद के गांव से 238 वोट लाए थे। एक चीज अशोकनगर और मुंगावली को लेकर भी देखें तो बमोरी और अशोकनगर को, ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं विधानसभा में, तो
मुंगावली अशोकनगर हारे थे 8,000 से और बमोरी हटे 14,000 से, मगर इस बार बड़ा फेरबदल हुआ, लोगों ने फिर सिंधिया के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में काम किया। देखिए विधानसभा लोग विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो किए जाते हैं, जो इस चुनाव में उठाने की कोशिश तो विपक्ष द्वारा मतलब कांग्रेस द्वारा की गई थी, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। और जनता ने भी इस बार जो वोटिंग किया वो उन मुद्दों से दूर किया, क्योंकि 6 माह पहले की जो स्थितियां थी वो निश्चित तौर पर एक तो लोगों के दिमाग में ये था कि यहाँ पे सरकार आने वाली है, सरकार बनने वाली है कांग्रेस की, तो ये सब चीजों को देखते हुए उस समय वोटिंग हुई थी। और चूंकि अभी के जो परिणाम है वो केंद्र के देखते हुए हुए थे। और एक बात और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल जो जनता ने कहीं ना कहीं डॉक्टर केपी यादव को जिताया था तो बड़ी अपेक्षाएं थी, तो वो अपेक्षाएं वो अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाई, तो लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा से सिंधिया जी को आजमाया जाए। तो जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपेक्षाओं का मामला, सिंधिया यहाँ से 4 बार सांसद बने, 2 बार मंत्री रहे केंद्र में, मगर इसके बाद भी निसंदेह उतना काम नहीं हुआ जितने बड़े कद के वोट, मगर इस बार जब 540 से जीते और इतना बड़ा जनमत मिला है उनको, तो दबाव होगा काम का इस बार उन पर। हाँ इस बार ऐसा लग रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान भी इस बात को कई बार दोहराते दिखाई दिए सिंधिया जी, और लगभग पहली बार क्षेत्र के लोगों का ही कहना था कि पहली बार ये मौका है कि वो उन्होंने इतनी मेहनत की है, ज्यादा लोगों से सीधे 1-to-1 चर्चा की है, तो यहाँ की ऑब्वियसली जो जिनाइन समस्याएं हैं वहां तक वो पहुंचेंगे इस बार ऐसा लग रहा है। तो मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट बहुत दिलचस्प इस वजह से भी हो गई है, क्योंकि 4 जो बड़े परिणाम है उसमें एक है, तो मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता थे उन्हें लोकसभा से पहले ही हटाकर विधानसभा में ला दिया था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बड़े चेहरे बचे थे, और किस्मत की बात देखिए कि इन तीनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से जीत दर्ज की है वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है, ऐसे में उनका कद भी बढ़ता है। तो लोगों को उम्मीद है कि पिछले सरकार में राज्यसभा से होने के बाद भी मंत्री थे तो सिंधिया को इस बार फिर मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब संभवतः काम को लेकर उनका नजरिया बदलेगा और जिन चीजों को लेकर उनसे लगातार सवाल होते थे अब उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो आप दोनों महानुभाव इस पर चर्चा में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद।